सुमध्यानम प्रियः छात्राः अद्य वयम् सर्वनाम विषये शेष शब्द रूप रूपानाम विषये पठिष्यामः। प्यारे बच्चों, आज हम सभी सर्वनाम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, कई शब्द रूप पढ़ भी चुके हैं। आज भी जो शेष बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे पिछली कक्षा में शब्द रूप पढ़ाया गया था, उस शब्द रूप को यदि यदि अच्छी प्रकार समझ गए होंगे, याद किए होंगे, तो इस शब्द रूप को उच्चारण में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। आज कुछ शब्द रूप जो द्वितीय पाठ में आवश्यक है, उन सभी शब्द रूप में आज अंतिम शब्द रूप है कह का पुल्लिंग शब्द, आपको पिछली कक्षा में याद करवा चुके हैं। मूल शब्द किम होता है, जिस तरह एतत और तत दोनों का तीनों लिंगों में याद किए हैं, उसी प्रकार किम भी एक मूल शब्द है जो कह पुल्लिंग में क्या के लिए, का स्त्रीलिंग में क्या के लिए, नपुंसक में किम क्या के लिए प्रयोग होता है। पुल्लिंग पढ़ चुके हैं, आज स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग का क्या, विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। अब यहां देखें, स्त्रीलिंग का क्या, विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम का के का उच्चारण पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। प्रथम का के का, द्वितीया काम के का, तृतीया कया काभ्याम काभि, चतुर्थी कस्यै काभ्याम काभ्यः, पंचमी कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी कस्याम कयोः काशु। पुनः एक बार और, क्योंकि उच्चारण CW कक्षा कार्य उच्चारण ही होता है, यदि आप इस उच्चारण को सही ढंग से सुनेंगे तो आप उच्चारण का अभ्यास कर पाएंगे, इसीलिए दो बार कर देते हैं। आप उसको ध्यान से सुनेंगे और वैसा बोलने का अभ्यास करेंगे। प्रथमा का के का, द्वितीया काम के का, तृतीया कया काभ्याम का भी, चतुर्थी कस्यै काभ्याम काभ्य, पंचमी कस्याः काभ्याम काभ्य, षष्ठी कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी कस्याम कयोः काशु। अब इसका ही एक और शब्द रूप शेष बच रहा है, सर्वनाम शब्द। बार बार हम इसको बता रहे हैं, तीनों लिंगों में क्या क्या इसका अर्थ होगा और क्या शब्द होगा। पुल्लिंग कह क्या, स्त्रीलिंग का क्या, नपुंसक लिंग किम क्या, मूल शब्द किम क्या, नपुंसक लिंग किम क्या, किम होता है नपुंसक लिंग में, उसका अर्थ क्या, विभक्ति जानते हैं। अब प्रथमा किम के कानी, द्वितीया किम के कानी, तृतीया केन काभ्याम कहि, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्य, पंचमी कस्मात् काभ्याम केभ्य, षष्ठी कस्य कयोः केषाम, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। पुनः प्रथमा किम के कानी,
द्वितीया किम के कानी, तृतीया से पुलिंग के समान चलता है जो कल याद किए, तृतीया केन काभ्याम कही, चतुर्थी कस्मई काभ्याम के भ्य, पंचमी कस्मात काभ्याम के भ्य, षष्ठी कस्य कयोह के शाम, सप्तमी कस्मिन कयोह केशु। इस प्रकार आपको याद करना है, पहले उच्चारण करके भेजना है, उसके बाद इसको अच्छे ढंग से याद करके लिखना है सुंदर अक्षरों में। तो इस प्रकार आज तीन तीन शब्द रूप, तीन लिंगों में तीन का शब्द रूप याद किए हैं, जैसे एतत का, तत का और किम का। तत का भी याद किए हैं, सह, सा और तत। एतत का याद किए हैं, एसह, एसा, एतत। और किम का याद किए हैं, कह, का, किम। इन तीनों लिंगों में तीन शब्द रूप बनते हैं, लेकिन सब आपस में मिला जुला है, सब का टोन बोलने का लहजा एक ही है। तत्तेतानि किम के कानी, एतत एतेतानि कस्मै काभ्याम के भ्य, जो शब्द को लेंगे सभी एक जैसे उच्चारण की तरह लग रहे हैं, थोड़ा सा शब्दों में फर्क है, मात्रा वगैरह अंत में जो लगता है वो एक जैसे लगते हैं। थोड़ा यदि आप सही ढंग से समझ लें तो आप इन सभी शब्दों को उच्चारण अच्छी तरीके से कर लेंगे। जो ये जितने शब्द रूप दिए हैं सभी जो याद अच्छे से कर लिए, कंठस्थ करके लिख लिए, उनको द्वितीय पाठ पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, वो सही ढंग से पढ़ पाएंगे, क्योंकि उस पाठ में सभी शब्द, यही सब शब्द दिया गया है। आपको अगली कक्षा में द्वितीय पाठ प्रारंभ करेंगे, इसलिए द्वितीय पाठ जिसको अच्छे ढंग से पढ़ना है वो इन सभी शब्द रूप जो पढ़ा चुके हैं, आज पढ़ा रहे हैं, सभी का आपको पुनरावृत्ति रिवीजन करना है। और कोई दिक्कत हो उसके बारे में सभी बच्चों से अनुरोध है कि वह पूछें। आगे देखें, कुछ शब्द रूप, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग जिस तरह याद करते हैं उस तरह संस्कृत में भी कुछ शब्द आपके सामने होना चाहिए, इसका आपको संस्कृत शब्द आना चाहिए हिंदी का, उसके लिए कुछ शब्द दिया गया है। सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक, प्रश्न करते हैं उसके लिए संस्कृत में क्या बोलेंगे, जैसे संस्कृत और हिंदी, जैसे कि कदा, कदा का होता है कब, कुत्र का होता है कहाँ, कथम का कैसे या किस प्रकार, कैसे का भी प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार का, कुतः का होता है कहाँ से, और कति का होता है कितने। तो इस प्रकार कदा, कुत्र, कथम, कुतः और कति, इसका प्रयोग पुस्तक में बार बार हर पाठ में आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम अव्यय शब्द भी है और इसका प्रयोग हम प्रश्न के लिए करते हैं, इसको शब्दार्थ के रूप में याद कर लेंगे तो आपको शब्द का स्टॉक हो जाएगा, शब्द इकट्ठा होगा और आपको पाठ में हर जगह ऐसे शब्द बार बार मिलेंगे, वहां पर आपको उसका अर्थ करने में, समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इन सभी चीजों को कंठस्थ याद करना है, इसलिए सिलेबस थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि जितने भी चीज दे रहे हैं सब आपके लिए नया, नई की तरह दिख रहा है, इसको जी याद करके तब आगे बढ़ना है। इस कारण से याद इतना दिया जाए कि आप याद कर लें। अब आपको गृह सी डब्ल्यू, कक्षा कार्य सी डब्ल्यू का किम शब्द रूपम उच्चारणम कृत्वा प्रेषयत, का किम जो शब्द रूप आज पढ़ा रहे हैं उसका उच्चारण, जैसे मैं उच्चारण रिकॉर्डिंग में वीडियो में की है वैसा उच्चारण यदि होने लगे तो प्रेषयत, प्रेषयत मतलब भेजें रिकॉर्डिंग के माध्यम से, का किम शब्द रूप को उच्चारण करके भेजें। उसके बाद गृह कार्यम होमवर्क, किम का और किम शब्द रूपम लिखित्वा स्मरणम कुरुत, शब्दार्थम अपि स्मरत, का किम शब्द रूप लिखकर याद करें और शब्दार्थ भी याद करें, जो शब्दार्थ आपको इस पेज में पढ़ा गया इसको भी याद करें। आज का यह कार्य है और इसके बाद एक और काम दिया गया है कि पीछे जितने शब्द रूप पढ़ाए हैं उसका पुनरावृत्ति करें।
अपने घर पे बैठे हैं वहीं पे अपने मन में करें, बताना नहीं है कि हम कितना किए कितना नहीं, आपको बता रहे हैं कि पीछे का भी पुनरावृत्ति करके ये देख लें कि हमको सर जो पढ़ाए हैं वह पूरा याद है कि नहीं, कि उसको भूल भी गए, कल का काम परसों का काम जो था उसको भूले तो नहीं है, इसके लिए पुनरावृत्ति करना है, रिवीजन करना है। आज का इतना ही होमवर्क है, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। अब अगले दिन से द्वितीय पाठ प्रारंभ करेंगे, द्वितीय पाठ में क्या पढ़ना है, कैसे वाक्य को समझना है।